फ्रेंड्स आप देख रहे हैं भव्य हेल्थ केयर। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले। हेलो एवरीवन, वेलकम टू भव्या हेल्थ केयर और मैं हूँ आपकी दोस्त भव्या। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी की। प्रेगनेंसी में खुजली कर करके कई महिलाएं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे यानी कि कुछ ऐसी होम रेमेडीज बताएंगे जिससे आप अपनी खुजली को दूर कर सकती हैं। तो चलिए देखते हैं हमारी इस वीडियो को। प्रेगनेंसी में कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो गर्भवती महिलाओं को परेशान कर देती हैं। गर्भ अवस्था में शरीर में बदलाव आने और साइज बढ़ने पर स्किन में खिंचाव आने लगता है। इससे पूरे शरीर में टाइटनेस महसूस होती है। प्रेगनेंसी में हार्मोन्स में बदलाव आते हैं जिस पर शरीर की प्रतिक्रिया में पूरी स्किन पर खुजली होने लगती है। हर महिला को प्रेगनेंसी के किसी ना किसी स्टेज पर खुजली की शिकायत होती ही है। हालांकि आपको इसे लेकर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कुछ आसान घरेलू नुस्खों की मदद से प्रेगनेंसी में होने वाली खुजली को दूर किया जा सकता है। पहली है ठंडी सिकाई। ठंडी सिकाई हमेशा काम करती है। इसके लिए एक कपड़ा लें और उसमें बर्फ के कुछ टुकड़े डाल दें। इसे आप इफेक्टेड एरिया पर रखें। इस नुस्खे से आपको खुजली से तुरंत ही आराम मिलेगा और सूजन भी कम होगी। प्रेगनेंसी में होने वाली खुजली को दूर करने का यह सबसे आसान तरीका है। दूसरा है नींबू का रस। नींबू के रस में एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं जो प्रेगनेंसी में खुजली पैदा करने वाले माइक्रोब्स को हटाने में मदद करते हैं। थोड़े से पानी में नींबू के रस की कुछ बूंदें डालें और उसे प्रभावित हिस्से पर लगाएं। नींबू के रस के अलावा कैलामाइन लोशन भी खुजली को कम करने में मदद करती है। इस लोशन को प्रभावित स्किन पर लगाएं और कुछ सेकंड तक मालिश करें। पेट पर खुजली होने पर भी आप कैलामाइन लोशन का इस्तेमाल कर सकती हैं। ये खुजली को कम करता है और दोबारा स्किन पर जलन होने से भी रोकता है। तीसरा है नारियल का तेल। जैसा कि हम सभी जानते हैं नारियल के तेल की तासीर ठंडी होती है। इसके लिए पहले आपको अपनी स्किन को साफ करके सुखा लेना है, फिर इस पर नारियल के तेल की कुछ बूंदें डालें और तब तक स्किन की मसाज करें जब तक कि तेल सूख ना जाए। इसे स्किन पर ऐसे ही लगा छोड़ दें। दिन में दो बार इस नुस्खे को आपको आजमाना है। नारियल के तेल में स्किन के अंदर की कोशिकाओं तक पहुंचने की क्षमता होती है। ये खुजली और जलन को कम करने में मददगार फैटी एसिड बनाते हैं। इस तेल के एंटी माइक्रोबियल गुण खुजली और जलन पैदा करने वाले स्किन इन्फेक्शन से बचाने का काम करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एलोवेरा जेल। किसी भी तरह की स्किन प्रॉब्लम को एलोवेरा जेल से कंट्रोल किया जा सकता है। थोड़ा सा एलोवेरा जेल लें और उसे खुजली वाली जगह पर लगाकर मालिश करें। आप दिन में दो बार इस जेल को लगा सकती हैं। एलोवेरा जेल में एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं और ये स्किन को नमी भी देकर उसे नरम और मुलायम बनाते हैं। इस तरह स्किन से खुजली कम होती है। एलोवेरा के अलावा ओट मिल बाथ भी खुजली को कम करने में असरकारी है। इसके लिए आपको चाहिए एक कप ओट्स और थोड़ा गुनगुना पानी। नहाने के पानी में ओट्स डालकर 10 से 12 मिनट तक छोड़ दें, फिर इस पानी को छान लें और इस पानी से आपको नहाना है। आप हफ्ते में 2 से 3 बार ओट मिल बाथ ले सकती हैं। स्किन पर खुजली को कम करने के लिए ओट मिल बाथ बहुत ही फायदेमंद रहता है। एक बात और आपको नोट कर लेनी चाहिए कि प्रेगनेंसी में किसी भी नुस्खे का इस्तेमाल करने से पहले आपको अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। अगर घरेलू उपाय से भी आपको आराम नहीं मिलता है तो डॉक्टर से आप कोई दवाई या क्रीम ले सकती हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जाना कि प्रेगनेंसी में खुजली कर करके अगर आप परेशान हो गई हैं तो कैसे आप होम रेमेडीज को अपना कर खुजली को दूर कर सकती हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल भव्य हेल्थ केयर को आज ही सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन बी हेल्दी, बी हैप्पी एंड बी फिट।